डर हम सभी को लगता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा। जीवन का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा है। किसी को किसी चीज का डर होता है, किसी दूसरे को किसी और चीज का। कितनी बार कुछ लोगों के साथ डर इतना हावी हो जाता है कि उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि वो काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता है, तो आप डर को, डर का सामना ही करके खत्म कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज गलत है, और वो गलत चीज है अपनी गलती को दोबारा दोहराना। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी डर से ना डरें। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है ना, उस डर से आगे बढ़ने का प्रयास करें, और देखें आपकी जिंदगी में आप उसके बाद सबसे ज्यादा सफल होंगे। आज एक कहानी के माध्यम से मैं इस बात को आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि कैसे जब हम डर से जीत जाते हैं तो कोई भी हमको नहीं हरा सकता है। ये कहानी है सिकंदर की। जब हिंदुस्तान आया तब तक उसने बाकी सभी दुनिया को जीत लिया था, और जब वो हिंदुस्तान को जीतकर वापस लौट रहा था तो हिंदुस्तान की सीमा को पार करते समय उसे ख्याल आया कि यूनान में उसके मित्रों ने उससे कहा था कि लौटते समय एक सन्यासी को ले आना भारत से, और सब तो लाओगे ही, लेकिन धन, हीरे, जवाहरात, मोती, ये सब कुछ है यूनान में। हमने सुना है कि जो भारत के सन्यासी होते हैं उनमें बहुत अलौकिक शक्तियां होती हैं। अगर तुम एक अलौकिक शक्ति वाले सन्यासी को ले आओगे तो हम मान जाएंगे कि तुमने भारत को जीत लिया है। सिकंदर ने और सब तो लूट लिया, सन्यासी की याद न रही। आखिरी क्षण में उसे सन्यासी की याद आई तो उसने कहा, जाओ किसी सन्यासी को पकड़ के लाओ जो बहुत सिद्ध हो। अब सिपाही गांव गांव गए, गांव के लोगों से पूछा तो गांव के लोगों ने कहा, सन्यासी तो गांव में एक है, लेकिन तुम उसे ले जा सको इसकी हमें उम्मीद नहीं है। तो उसके सैनिकों ने कहा, इसकी तुम फिक्र छोड़ दो, हम सिकंदर के सिपाही हैं, हम अगर पहाड़ों को कह दें कि चलो तो पहाड़ भी चल पड़ते हैं। क्या तुमने कभी नंगी तलवारें देखी हैं? सन्यासी क्या कर पाएगा इसके आगे? उन्होंने कहा, इसलिए हम चिंतित हैं कि तुम्हारी तलवारें सन्यासी के साथ कुछ कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। खैर, आप जाएं और एक कोशिश जरूर कर लें। अब सिपाही गए गांव के बाहर। एक बिल्कुल नग्न नागा साधु था जो 30 वर्षों से नदी के तट पर बैठा हुआ था। यूनानी इतिहासकारों ने उसका नाम डंडानीस लिखा है, पता नहीं उसका क्या नाम होगा। अब यूनानी नाम में उनको जो समझ में आया उन्होंने उसका नाम डंडानीस दिया। हो सकता है कि वो डंडी साधु हो या कुछ ऐसा हो, डंडी स्वामी जैसा कुछ। अब वो जो डंडी स्वामी वाले जो साधु थे उनको उनका कुछ नाम नहीं समझ में आया तो उन्होंने उसका नाम डंडानीस रख दिया। अब उन सिपाहियों ने उनके पास जाकर उनको घेर लिया और उससे कहा कि सिकंदर की आज्ञा है, आप हमारे साथ चलिए। वो फकीर नंगा साधु हंसने लगा। उसने कहा, हमने उसी दिन से आज्ञाएं माननी छोड़ दी जिस दिन से हम सन्यासी हुए। हम आज्ञाएं तब तक नहीं मानते थे जब तक हम डरते थे। जो नहीं डरता उससे आज्ञा नहीं मनवाई जा सकती। आज्ञा तो तब हम मानते हैं जब हम डरते हैं। जब हम डरते ही नहीं तो आज्ञा किसकी, और किसकी मजाल जो हमें ले जा सके। लेकिन सिपाहियों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, क्या तुमने ये हमारी नंगी तलवारें देखी हैं? ये तलवार तुम्हारी गर्दन को काट देगी। तो उस सन्यासी ने कहा, तुम काट दोगे वो बहुत ठीक है, तुम काट सकते हो, मैं कोई एतराज नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटने से मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि गर्दन काटने से केवल वही डरता है जो गर्दन कटने को मौत समझता है। ऐसे आदमी के सामने पहली दफा तलवारों पे जंग खा गए। नंगी तलवारें हाथ पे थी लेकिन हाथ बिल्कुल सुस्त हो गए। जो आदमी ऐसे मरने से राजी हो इतनी मौज में, उसे मारना ही बिल्कुल बेकार होता है, और जो आदमी इतनी मौत से मरने को राजी ना हो उसको जिंदा रखना भी बिल्कुल बेकार होता है।
सिकंदर ने जाकर उससे कहा, वह आदमी ले आए कि नहीं? तो उसके सिपाहियों ने कहा कि वह सन्यासी बड़ा अजीब है, हमने बहुत से लोग देखे, मरने वाले, मारने वाले, भाग जाने वाले, ये तो कुछ अलग ही तरह का है, ना तो ये भागता है ना लड़ता है, उसके पास लड़ने को कुछ है ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो डरता नहीं है। सिकंदर ने कहा, ठीक है मैं खुद चलूंगा। सिकंदर ने कहा, तुम ऐसा करो कि कुछ शाही सामान की व्यवस्था कर दो ताकि वो सन्यासी किसी लालच में ही हमारे साथ चल दे। सिकंदर ने उस फकीर के पास पहुंच के कहा कि हम तुम्हें स्वागत देंगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, शाही व्यवस्था करेंगे, तुम जो चाहोगे वो देंगे, तुम हमारे साथ यूनान चलो। तो उस सन्यासी ने कहा कि तुम कुछ ना दे सकोगे क्योंकि हम कुछ चाहते ही नहीं हैं। बहुत बार भिखारी सम्राटों के सामने अपमानित हुए क्योंकि भिक्षा देने से सम्राटों ने इनकार कर दिया। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि सम्राट भिखारियों के सामने अपमानित हो जाते हैं क्योंकि भिखारी कुछ लेने से इनकार कर देता है। उसने कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। सिकंदर ने कहा, तब भी कोई बात नहीं, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना ये तलवार तुम्हारी गर्दन पे मैं रखता हूँ। तो उस फकीर ने कहा, रख तू सिकंदर। सिकंदर ने कहा, तुम ना समझो, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी और नीचे गिर जाएगी। तब उस सन्यासी ने कहा, हम सन्यासी उसी दिन हुए जिस दिन हमने देख लिया कि गर्दन कट जाए और नीचे गिर जाए तो भी हम नहीं कटते हैं, वरना हम सन्यासी होते ही नहीं। गर्दन गिरेगी तो तुम भी देखोगे कि गर्दन गिर रही है और मैं भी देखूंगा कि गर्दन गिर रही है, हालांकि तुम मुझे न दिख पाओगे लेकिन मैं तुम्हें और गर्दन दोनों को कटते हुए देख पाऊंगा। तब सिकंदर ने अपने इतिहासकारों से कहा कि लिख ली जाए ये बात कि हम यहां से एक सन्यासी नहीं ले जा सके क्योंकि आखिरी उपाय था उसको मौत से डरा दिया जाए। तो याद रखें दोस्तों, जिंदगी में बड़ा वही बनता है, बड़ा मुकाम वही हासिल करता है, दुनिया उसके सामने ही झुकती है जो डर से नहीं डरता। चाहे डर कितना भी बड़ा हो, यदि आप उसका सामना करते हैं तो निश्चित रूप से जो कहावत है कि डर के आगे जीत है, वो जरूर पूरी हो।